सबसे पहले बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से देते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से बीजेपी विधायक जयराम ठाकुर की अगुवाई में गवर्नर हाउस पहुंचे। उसके बावजूद भी जीते हैं और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई है सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल मोदी जी को दी। सर, डिवीजन ऑफ फोर्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ फोर्स होने। देखिए, हमें कई तरह की एप्रिहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कॉम्फर्टेबली बजट को पारित किया जा सके, ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उनने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है, और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की, और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है। और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में, इतना ही कहना। टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोगों के टच में हैं? क्या 2 कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर, कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोगों के टच में हैं, जो 6 जिन्होंने ने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना अब बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम करेंगे। फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर? तो फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आपने सुना, बीजेपी नेता ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। उनका कहना है कि आज जो परिस्थितियां बनी है उसके जिम्मेदार कांग्रेस है। विधायकों को कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी समर्थक बीजेपी कैंडिडेट प्रत्याशी को के पक्ष में वोट किया उनको नोटिसेस भेजे गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण इस पर मांगा गया है, राज्यपाल से मिले और अपनी आशंकाओं को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से रखा गया है। डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की जाएगी बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही साथ आशंका व्यक्त की कि विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है ताकि आसानी से बजट को पारित किया जा सके। साथ ही साथ दल बदल कानून पर भी उन्होंने कहा कि यहां पर वो लागू नहीं होता राज्यसभा के चुनावों में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, हिमाचल प्रदेश में गहमा गहमी है और बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है कांग्रेस के पास में, सुखविंदर सुक्खू सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, ये बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन अपनी आशंकाएं भी उन्होंने जाहिर की और उन आशंकाओं को उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर उनके सामने रखा। अभी नंबर गेम में अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के पास नंबर नहीं है, ये बीजेपी दावा करने लगी है और डिवीजन ऑफ वोट की मांग की जाएगी और उसमें यह तय हो जाएगा कि क्या वाकई सरकार के पास नंबर है या फिर नहीं।
क्योंकि छह ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और उस क्रॉस वोटिंग के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब अगला कदम क्या होगा हिमाचल प्रदेश में। और उन अटकलों को अब इसलिए और ज्यादा बल मिलने लग गया है क्योंकि बीजेपी अब खुलकर कहने लगी है कि संख्या बल नहीं रह गया है सुखू सरकार के पास। सुबह सुबह राजभवन की दौड़ भी इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश में काफी कुछ चल रहा है और आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुखू सरकार के लिए, बजट पर चर्चा का दिन, और नैतिकता के आधार पर तो इन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रह गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में थी और यहां पर नंबर भी उनके पास था। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मंजीत, हमने आपसे थोड़ी देर पहले बयान सुना पूर्व मुख्यमंत्री का, लेकिन आपके पास क्या क्या अपडेट राजभवन के भीतर से मिल रहा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलकर बाहर आ गए हैं और इस वक्त उन्होंने मीडिया को जो जानकारी दी है वो ये कि वो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग करेंगे और उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है कांग्रेस सरकार डिवीजन ऑफ वोट से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको सस्पेंड कर दे और बजट को पारित कर दे। दूसरी आशंका उन्होंने ये जताई है कि कांग्रेस ने अब क्योंकि डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है और जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले थे उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिसेस भेजे गए हैं और 1 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर डिवीजन ऑफ वोट्स पॉसिबल नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी अगली रणनीति के तहत फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी और वही कांग्रेस ने भी अपना डैमेज कंट्रोल लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस के 2 जो ऑब्जर्वर्स हैं शिमला पहुंच रहे हैं और ऑब्जर्वर्स के अलावा पार्टी हाईकमांड भी इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कोशिश की जा रही है कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं उनको वापिस लाया जा सके और वही चेंज ऑफ गार्ड की बात भी हो रही है, हो सकता है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की बात भी हो, ऐसा पार्टी सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है और आज दिन में क्या होता है 11 बजे तय हो जाएगा कि क्या फ्लोर टेस्ट की मांग की जरूरत पड़ेगी या फिर डिवीजन ऑफ वोट्स में ही सरकार के पास बात करने का प्रयास करें क्योंकि वो आपके सामने ही है। मैं आपके पास लौटता हूं, इससे पहले सुना देते हैं कि आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा है। ये पिछले 1 मिनट दर्शन पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्के हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से, यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए, और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे
जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल से आए। सर पहले ये बता दीजिए कि राज्यपाल जी से क्या बात हुई? राज्यपाल महोदय जी को हमने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी जो पिछले दो दिन से घटित हुआ है। राज्यसभा का परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार गए, बहुमत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार कुछ भी करने के लिए, सरकार बचाने के लिए जो है वो हरकतें कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बजट सत्र में कट मोशन पर चर्चा हो रही है उसके बाद उस पे वोट होता है, जब वोट वॉइस वोट के साथ साथ हमने डिवीजन मांगा उसमें, उसकी इजाजत नहीं दी, हाउस दो बार एडजॉर्न कर दिया। और आज हमारी आशंका यह है कि अध्यक्ष महोदय ये भी कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को ही सस्पेंड कर सकते हैं। हमारी आशंका यह भी है जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट किया है उनका सस्पेंशन कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि उनको नोटिस दे दिए हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों में अब आवश्यक हो गया कि राज्यपाल महोदय जी उसमें दखल दें। आज 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी, आज तो आप डिवीजन ऑफ वोट्स मांग करेंगे? देखिए हमने हमेशा इस बात के लिए, हम तीन दिन से इसी बात के लिए कह रहे हैं और आज भी हम इस बात को लेकर के आग्रह कर रहे हैं। तो अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं दिया जाता सर तो अगला क्या कदम होगा? उसके बाद अगली जो टेस्ट की मांग की जाएगी, अगली बात उसके बाद करेंगे। जयराम ठाकुर जो हमें बता रहे थे कि राज्यपाल से मिलकर उन्होंने दो बातें की है कि एक तो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बहुमत खो दिया है, उनके पास बहुमत नहीं है, तो पहली मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी वो ये कि डिवीजन ऑफ वोट्स उनको अलाउ किया जाए, क्योंकि आज बजट पर चर्चा होनी है और बजट पास किया जाना है और बजट पास करने के लिए अधिक जो रिक्विजिट नंबर्स हैं अगर वो मिलते हैं तो साबित हो जाएगा कि कांग्रेस से बहुमत है या फिर नहीं। अगर कल की परिस्थिति को सामने रखें तो 34-34 वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले थे और टाई हो गया था, उसके बाद पर्ची निकालने के बाद ही राज्यसभा के जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के उनके हक में वो उसे घोषित किया गया था। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बातें होने वाली हो ये है, जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी ने भी जताई है, वो ये कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को सस्पेंड कर सकती है ताकि बजट आसानी से पारित किया जा सके। किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मंजीत आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। बीजेपी ने मत के विभाजन की मांग की है, डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की है, अब ये मिलता है नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हिमाचल में गहमा गहमी जरूर है।